दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन को इस तरह की ऑसम टेक वीडियोस देखने के लिए। गाइज, लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल ज्ञान चैनल पे। गाइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है जिसमें 118 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है, जिसमें आपका पबजी मोबाइल एंड पबजी मोबाइल लाइट भी शामिल हैं। दोस्तों, ये पबजी लवर्स के लिए बहुत ही बुरी खबर है। एंड अगर बात करें हम देश हित की, तो बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि इन एप्लीकेशंस के साथ जो था कुछ सिक्योरिटीज़ इशूज़ थे जो कि पास आउट हो रहे थे चाइना में इन ऐप्स के थ्रू। तो ये फैसला देश हित के हिसाब से बहुत अच्छा फैसला है। अब देखना होगा इन एप्लीकेशंस का जो है सप्लीमेंट्स आपको कब मिलता है एंड कितनी क्वालिटी वाला एप्लीकेशंस आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसमें कुछ गेमिंग एप्लीकेशंस की जो बड़े बड़े नाम हैं, तो सबसे पहले तो पबजी मोबाइल एंड उसका जो लाइट वर्जन है ये आते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक लाइफ आफ्टर गेम है जो अप्रॉक्स 3 GB से ज़्यादा का स्टोरेज वाला गेम है, एक HD ग्राफिक्स वाला गेम है, हाई एंड गेम है। उसके अलावा हम बात करें साइबर हंटर, राइज ऑफ किंगडम, आर्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट जैसे गेम जो हैं इंक्लूड हैं इस लिस्ट में। तो आप एक चेकआउट कर सकते हैं अपने मोबाइल में एंड 118 एप्लीकेशन की जो लिस्ट है मैं आपको देने वाला हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में कहीं इंस्टॉल तो नहीं है। अगर इंस्टॉल है तो फटाफट से इसको अनइंस्टॉल कीजिए एंड देश हित में अपना नाम जो है ऐड कीजिए। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते होंगे पिछले कुछ दिनों पहले इंडियन एंड चाइनीज़ जो है ग्रुप्स के बीच में कुछ झड़प हुई थी। उसके बाद लगता है इंडियन गवर्नमेंट ने सीधे सीधे ये प्लान ऑलरेडी तैयार कर रखा था। ये सब सिचुएशन खड़ी हुई, इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि इन एप्लीकेशंस को बैन कर दिया जाए एंड एक अच्छा फैसला है देश हित में। अब ये देखना होगा कि इन 118 एप्लीकेशंस की लिस्ट में क्या आपके फ़ोन में ये कोई एप्लीकेशंस इंस्टॉल हैं। अगर इंस्टॉल हैं दोस्तों, आप फटाफट से इसको अनइंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये बात देश से जुड़ी हुई है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए एंड अपने दोस्तों एंड अपने जो करीबी हैं उनको ये सूचना पास ऑन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।